सो हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम गौतम लखानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। आज का जो हमारा कोर्स है गाइस, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आर्ट एंड कल्चर को, और आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम बात करेंगे मुगल आर्किटेक्चर की। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इन आर यस्टरडे सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मुगल आर्किटेक्चर, एंड इन इन दैट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बाबर एंड अकबर। In our today's session, we will be going to discuss about the art and architecture development during the time period of Jahangir till Aurangzeb. तो आज के इस session में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जहांगीर से लेकर के औरंगजेब तक के time period के अंदर हमें जो है architecture के अंदर development देखने को मिला, और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे शाहजहां के time period की, जिसको बहुत ही ज़्यादा famous टाइम पीरियड माना जाता है आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि अन अकेडमी आप लोगों के लिए कुछ कॉम्बो प्लान्स लेकर के आया है, जिस पर आपको 25% तक का डिस्काउंट फिलहाल देखने को मिलेगा, और जब आप यूज़ करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि अगर आप जीएस और ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कॉम्बो प्लान लेते हैं, तो पहले एक साल के लिए आपको पे करने पड़ते थे 77,000, बट फिलहाल जो ऑफर प्राइस है, न्यू प्राइस है, वो है 57,500 का। यानी कि लगभग 20,000 तक का डिस्काउंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जब आप यूज़ करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट यहाँ पर और मिल जाएगा, यानी कि 5750 रुपीज़ का। तो प्लीज़ जाएं जाकर इसका फ़ायदा उठाएं। इसी तरीके से आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल के अंदर भी आपको ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइज, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अन अकेडमी आप लोगों के लिए सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप भी लेकर के आया है, जो कि 13 जून सुबह 10 बजे से लेकर के 12 नून तक होगा। अगर आपने इसके अंदर अपने आप को एनरोल नहीं करा है तो प्लीज़ जाएं जाकर के फटाफट से अपने आप को एनरोल करें फ्री ऑफ कॉस्ट बाई यूजिंग आवर रेफरल कोड रैंक 10। लाइव टेस्ट ये रहेगा, इसके अंदर आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप्स और प्राइजेस भी यहाँ पर दिए जाएंगे। जो टॉप 50 रैंकर्स होंगे उनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अन अकेडमी गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा यूपीएससी सीएससी के टॉप मेंटोर्स के थ्रू। मेंटोर्स में यहाँ पर कौन कौन है? मेंटोर्स में यहाँ पर आपको आईएएस ऑफिसर्स, यूपीएससी टॉपर्स, साथ ही साथ रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो दीज पीपल विल गाइड यू, एंड अलॉन्ग विद दैट देर आर एक्साइटिंग प्राइजेस ऑल्सो, लाइक एप्पल मैकबुक, आईपैड, एयरपोर्ट, आईफोन्स, ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत सकते हैं। तो प्लीज़ जाएं जाकर इसके अंदर अपने आपको एनरोल करें, ज्वाइन करें। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटोरिंग प्रोग्राम भी अन अकेडमी लेकर के आया है। लिमिटेड सीट्स प्रोग्राम है, डेली आपके जो है यहाँ पर इन पर्सन डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ पर होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पर्सनल गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ आप जाकर के इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपके लिए महा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी अन अकेडमी लेकर के आया है। अगर आप फिलहाल जाकर के 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो वो प्लान आपका जून 2022 तक ना वैलिड होकर के मेंस 2022 तक वैलिड रहेगा। अब चाहे मेंस का एग्जाम सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, कभी भी हो, तब तक के लिए आपका ये प्लान जो है वैलिड रहेगा। तो आप इसके अंदर भी जाकर के फायदा उठा सकते हैं। 16 जून तक के लिए ऑफर वैलिड है। बाकी लोन भी अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है 0% इंटरेस्ट रेट पर। 20 बुक्स भी यहाँ पर अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है, जो आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज करेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो अन अकेडमी कॉम्बैट भी है, जो कि एवरी संडे सुबह 11 बजे अन अकेडमी ऐप पर टेस्ट होता है इन द इंग्लिश लैंग्वेज में। साथ ही साथ 9 जून से कुछ नए बैचेस भी शुरू हो चुके हैं। 1 ईयर के बैचेज हैं 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, और 2 ईयर के बैचेज हैं 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जो आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराएंगे। तो आप जाकर के इन बैचेस के अंदर भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आइकॉनिक और प्लस दो तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान हैं। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। वहीं अगर हम फीस की बात करें तो आइकॉनिक के अंदर फीस भी थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्लस सब्सक्रिप्शन। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे कॉस्ट एफिशिएंट कॉम्बो प्लान्स भी हैं, जिसको आप जाकर के अवेल कर सकते हैं। और जब आप यूज़ करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। इसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मुगल आर्किटेक्चर का सेकंड पार्ट। जैसे कि आप लोगों ने अगर कल का सेशन देखा होगा, तो कल के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 1526 में विद द बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने इंडिया के अंदर जो है मुगल डायनास्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया। मुगल डायनास्टी की शुरुआत हमें वहां से देखने को मिली। हालांकि बाबर के पास टाइम कम था, और उसके बाद आगे चल करके हुमायूं के पास भी टाइम कम था, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें पर्शियन आर्किटेक्चर की शुरुआत इंडिया में देखने को मिली। और जब हम मुगल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मेन मायने में यहीं पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कॉम्बिनेशन देखने को हमें मिलता है इस्लामिक आर्किटेक्चर का, पर्शियन आर्किटेक्चर का, टर्किश आर्किटेक्चर का और इंडियन आर्किटेक्चर का।
इन सब का कॉम्बिनेशन हमें कहीं ना कहीं मुगल आर्किटेक्चर के टाइम में देखने को मिलता है। ये सब चीजें हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर यह भी देखा था कि भाई यहाँ पर कुछ सर्टेन फीचर्स मुगल आर्किटेक्चर के अंदर होते हैं, जैसे कि अलग अलग वैरायटी की बिल्डिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक सिंथेसिस देखने को मिलता है पर्शियन और इंडियन स्टाइल का, एक फ्यूजन देखने को मिलता है कल्चर्स के अंदर। साथ ही साथ कुछ अलग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्रॉड गेटवेज का होना, बुलंद दरवाजों का होना, रनिंग वाटर का होना, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी। इसके अलावा काफी सारी कॉस्टली डेकोरेशंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, पेट्रा ड्योरा स्टाइल हो गया या और भी काफी सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मुगल आर्किटेक्चर में मिलती हैं। बाबर के टाइम पीरियड में हमने बात करी थी कि भाई उसने ज्यादा टाइम नहीं था तो कुछ ज्यादा आर्किटेक्चर भी बाबर ने नहीं कराया। दो तीन मेन चीजें हमें देखने को मिलती हैं बाबर की, जिसमें हम यहाँ पर बात करें तो कुछ मॉस्क हैं और कुछ यहाँ पर गार्डन्स हैं जो कि आज की डेट में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो काबुली बाग मॉस्क जो कि पानीपत में है और राम बाग गार्डन जो कि आगरा के अंदर है, ये दो हमें आज की डेट में भी देखने को मिलते हैं, इनको हमने डिस्कस कल किया था। साथ ही साथ हुमायूं के टाइम पीरियड की हमने बात करी थी, हुमायूं के टाइम पीरियड को भी देखा था कि भाई ज्यादातर स्ट्रगल में ही इनका टाइम पीरियड रहा, बट कहीं ना कहीं पर्शियन इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो हुमायूं ने कोशिश करी थी दीन पनाह नाम की एक सिटी की शुरुआत करी थी, फाउंडेशन करी थी, बट उसको वो पूरा नहीं कर पाया था। साथ ही साथ फिर हमने हुमायूं के टॉम्ब के बारे में भी बात करी थी जो कि ताजमहल का प्रीकर्सर है। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग हमें हुमायूं टॉम्ब देखने को मिलता है जो कि हुमायूं की वाइफ हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर, यानी कि हुमायूं की डेथ के बाद। और कहीं ना कहीं ये ताजमहल का एक प्रीकर्सर हमें देखने को मिलता है। और यू कैन सी बहुत ही सुंदर तरीके से रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ चार बाग हमें जो है स्टाइल ऑफ गार्डन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अकबर के टाइम पीरियड को हमने डिस्कस करा और हमने यहाँ पर देखा कि अकबर के टाइम पे सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ और जो अकबर की स्टेट्समैनशिप थी, अकबर की जो पॉलिसी थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, वो कहीं ना कहीं हमें उसके आर्किटेक्चर के अंदर भी देखने को मिली। यानी कि जो अकबर के टाइम पीरियड का आर्किटेक्चर था उसमें हमने यहाँ पर बात करी थी कि हमें यहाँ पर पर्शियन स्टाइल के साथ साथ काफी ज्यादा हिंदू स्टाइल्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिले। हमने यहाँ पर बात करी कि भाई अकबर के टाइम पर रेड सैंडस्टोन बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल करा गया, टू डॉर्क आर्क का इस्तेमाल हमें होता हुआ यहाँ पर देखने को मिला। कुछ फेमस बिल्डिंग्स की बात करी जो अकबर ने बनवाई, जैसे कि आगरा फोर्ट को हमने डिस्कस करा जो कि 1565 में जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 1573 में जाकर के खत्म हुआ था, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करा। साथ ही साथ उसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, जैसे कि बंगली महल जो कि अकबरी महल भी जिसको बोला जाता है, जो कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड था, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करा। कल दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। हियर यू कैन सी द रेड आगरा फोर्ट और इधर आप अकबरी महल जो कि बंगाली आर्किटेक्चर के डिजाइंस पर बना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ फिर हमने फतेहपुर सीकरी की बात करी जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग या कहें इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी अकबर ने यहाँ पर एस्टैब्लिश करी थी सीकरी के अंदर। सॉरी गाइस, प्लीज एक सेकेंड के लिए। हाँ, तो हमने फिर यहाँ पर फतेहपुर सीकरी को भी डिस्कस करा और साथ ही साथ यहाँ पर देखा कि भाई कितने सुंदर तरीके से अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाई। साथ ही साथ हमने यहाँ पर बुलंद दरवाजे की बात करी जिसको अकबर ने अपनी गुजरात की विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए बनाया था। तो बाकी सब चीजें हमने काफी यहाँ पर डिस्कस करी। पंचमहल हमने यहाँ पर डिस्कस करा जो कि 5-स्टोरी बिल्डिंग था जो कि गुजराती आर्किटेक्चर स्टाइल के ऊपर बना हुआ था। साथ ही साथ सलीम चिश्ती जी के टॉम्ब की बात करी जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस था, व्हाइट मार्बल का बना हुआ था और जाली आर्ट जाली वर्क हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे जहांगीर के टाइम से कि जहांगीर ने किस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर को यहाँ पर बढ़ाया और कैसे डेवलप करा। किसी का कोई भी डाउट है यहाँ तक कल के सेशन से रिलेटेड तो आप अपना डाउट मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो। देखिए, जब हम बात करते हैं जहांगीर की, जहांगीर के टाइम पर एक खास बात हमें देखने को मिली, वो क्या कि जहांगीर के टाइम पर आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ। जहांगीर ने आर्किटेक्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जहांगीर ने जो ध्यान दिया वो पेंटिंग्स के ऊपर दिया। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो जहांगीर के समय में हमें
मुगल पेंटिंग्स बहुत बड़े लेवल पर बनती हुई देखने को मिली। बहुत बड़े लेवल पर जहांगीर ने पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पर बनवाई, और कहीं ना कहीं जो जहांगीर का फोकस था वो पेंटिंग्स के ऊपर ज्यादा था एज कंपेयर टू द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान जहांगीर ने नहीं दिया जितना ज्यादा पेंटिंग्स के ऊपर दिया। बट हाँ, फिर भी जहांगीर के पीरियड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो फेमस, दो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स यहाँ पर हमें देखने को मिली। एक है टॉम्ब ऑफ अकबर, यानी कि अकबर का मकबरा, अकबर का मौसेलम हमें देखने को मिला, जो कि सिकंदरा आगरा में पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर दूसरा जो जहांगीर के ससुर साहब थे, फादर इन लॉ थे, उनका टॉम्ब देखने को मिला, यानी कि टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला हमें यहाँ पर देखने को मिला, जो कि नूरजहां ने यहाँ पर बनवाया था। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर मेन देखने को मिली। देखिए, जब हम बात करते हैं नूरजहां के टॉम्ब की, और सॉरी नूरजहां ने जो ये कंस्ट्रक्शन करवाया था इत्मादुद्दौला के टॉम्ब का, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर, हेयर यू कैन सी, दिस इज द टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला। इत्मादुद्दौला कौन थे? नूरजहां के फादर थे और जहांगीर के फादर इन लॉ थे, ससुर साहब थे। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये जो डोम का स्टाइल देखने को मिल रहा है, दिस स्टाइल, दिस इज द पर्शियन स्टाइल, ये पर्शियन स्टाइल है। इस तरह के का डोम स्टाइल आपको देखने को मिल रहा है, पर्शियन है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्हाइट मार्बल का बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। व्हाइट मार्बल को बहुत अच्छे तरीके से यूज करा गया है, पूरा व्हाइट मार्बल है। साथ ही साथ पेट्रा ड्यूरा स्टाइल आपको यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। पेट्रा ड्यूरा स्टाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पेट्रा ड्यूरा स्टाइल क्या होता है, इसको मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको समझना है तो ये देखिए, यहाँ पर ये नीचे की तरफ ये जो डिजाइन हो रहा है ना, इधर इधर आ जाओ, यहाँ पर ये देखो, ये डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम ऐसे, और अब आप इसको और ज्यादा जूम करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अंदर कितने बेहतरीन तरीके से व्हाइट मार्बल का बेस है, और व्हाइट मार्बल को यहाँ पर कार्विंग करके उसके अंदर जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से चीजें पेस्टेड करी गई हैं। तो इस स्टाइल को बेसिकली पेट्रा ड्यूरा स्टाइल बोला जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके के कलरफुल पत्थर, अलग अलग तरीके के सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जेम्स, इन सब चीजों को जो है मार्बल्स के अंदर क्या किया जाता था, मार्बल्स के अंदर जो है पेस्ट करा जाता था कार्विंग करके। तो इस स्टाइल को बेसिकली पेट्रा ड्यूरा स्टाइल यहाँ पर बोला जाता है। तो इत्मादुद्दौला के टॉम्ब में हमें ये सब चीजें यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिली। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर जो है फ्लोरा फोना, यानी कि पेड़ पौधे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिली। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वही चार बाग स्टाइल हमें यहाँ पर गार्डन का देखने को मिला। साथ ही साथ पानी बहता हुआ, झरने, वाटर स्ट्रीम्स हमें यहाँ पर देखने को मिली। ये कुछ चीजें हमें इत्मादुद्दौला के टॉम्ब के अंदर देखने को मिली। साथ ही साथ वहीं जब हम बात करें अकबर के टॉम्ब की, तो अकबर का टॉम्ब जो कि हमें सिकंदरा में देखने को मिलता है, एक्चुअली हुआ क्या था कि इसको कमीशन तो अकबर ने ही कर दिया था, यानी कि अकबर ने मरने से पहले ही अपने टॉम्ब को बनवाना शुरू कर दिया था। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो टॉम्ब का कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ वो जहांगीर के टाइम तक जाकर के कंप्लीट हुआ। और जब हम उस टॉम्ब की बात करते हैं, अकबर के टॉम्ब की, तो वहां पर हमें हिंदू, इस्लामिक, जैन, क्रिश्चियन और बौद्ध तीनों स्टाइल का आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो एक ग्रेट फ्यूजन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हमें कहीं ना कहीं अकबर के टॉम्ब में देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। देखिए, हेयर यू कैन सी द टॉम्ब ऑफ अकबर, ये अकबर का टॉम्ब है। यहां पर अगर आप बात करें तो यहां पर आपको लोटस के डिजाइन देखने को मिलेंगे, स्वान के डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो रेड सैंडस्टोन से इसको बनाया गया है। यहां पर आपको चार मीनार इसके आसपास देखने को मिलेंगी, और थ्री स्टोरी मीनार है, 1, 2, 3, ये चार मीनार आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो व्हाइट मार्बल से ब्यूटीफुली डिजाइनिंग यहां पर करी गई है। तो ये सब खास बातें हमें जो है अकबर के टॉम्ब के अंदर सिकंदरा में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये भी एक खास आर्किटेक्चर का पीस हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जहांगीर के टाइम पर दो चीजें और हुई। जहांगीर ने क्या करा, कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर शालीमार बाग भी बनवाया। शालीमार बाग की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो दिस, हेयर यू कैन सी, दिस इज द गार्डन। यहाँ पर ये भी चार बाग स्टाइल के अंदर है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीच में इस तरीके से वाटर स्ट्रीम, पानी के झरने हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पर बनवाए गए, शालीमार बाग को यहाँ पर बनवाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो लाहौर फोर्ट के अंदर, जो लाहौर किला था उसके अंदर जो है यहाँ पर मोती मस्जिद भी बनवाई गई, जो कि प्योर व्हाइट मार्बल की हमें देखने को मिलती है। तो ये सब काम भी यहाँ पर जहांगीर के समय में हुए। बट यहाँ पर अगर हम बात करें जहांगीर के टाइम पीरियड की, तो जब हम मुगल पेंटिंग्स को पढ़ेंगे आने वाले सेशंस के अंदर,
दैट टाइम आई विल लेट यू नो कि जहांगीर ने पेंटिंग्स में कितना ज्यादा अपना ध्यान दिया। जहांगीर ने आर्किटेक्चर में थोड़ा बहुत ही काम कराया बट पेंटिंग ज्यादा हमें देखने को मिली। और जो थोड़ा बहुत काम हमें आर्किटेक्चर का देखने को मिला वो क्या था कि भाई या तो अकबर के टॉम का कंप्लीट कराया, शालीमार बाग को बनवाया और मोती मस्जिद को लाहौर के अंदर बनवाया, साथ ही साथ टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला यानी कि अपने ससुर साहब के टॉम्ब को भी जहांगीर ने या उनकी वाइफ नूरजहां ने यहाँ पर बनवाया। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये था जहांगीर के टाइम का कंस्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, अगर आप यहाँ पर कुछ नोटिस करें तो आपको क्या नोटिस देखने क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है अकबर के टाइम से और अब के बीच में। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मार्बल। पहला इंपॉर्टेंट फीचर हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि भाई मार्बल का बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल करा जा रहा है, मार्बल का इस्तेमाल काफी बड़े लेवल पर करा जा रहा है और मार्बल का मेन जो है अब यहाँ पर इस टाइम पर यूज करा जा रहा है आर्किटेक्चर के अंदर। साथ ही साथ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज पेट्रा ड्यूरा स्टाइल। हमें यहाँ पर पेट्रा ड्यूरा स्टाइल भी देखने को मिल रहा है यानी कि मार्बल्स को कार्विंग करके मार्बल्स के अंदर जो है और कलरफुल स्टोन्स लगाना, सेमी प्रीशियस डिजाइन करना, ये इस तरीके का डिजाइन, ये पेट्रा ड्यूरा स्टाइल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये भी खास बातें हैं जो कि हमें अकबर के टाइम पीरियड से जहांगीर के टाइम पीरियड में आती हुई देखने को मिली। ये कुछ डेवलपमेंट्स यहाँ पर हमें होते हुए देखने को मिले। अब बात करें अगर अकबर के बाद, अकबर के बाद हमें देखने को मिले शाहजहां, और शाहजहां के पीरियड को बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गोल्डन एज माना जाता है मुगल आर्किटेक्चर का, या आप कहें द मुगल आर्किटेक्चर वॉज एट इट्स पिनेकल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द शाहजहां। यानी कि सबसे ज्यादा हमें जो आर्किटेक्चर इस टाइम पर देखने को मिला वो शाहजहां के टाइम पर ही देखने को मिला, इसीलिए इसको गोल्डन एज भी बोला जाता है। और जब हम शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां को इंजीनियर किंग भी बोला जाता था क्योंकि ये इतना बेहतरीन तरीके से इसके टाइम पर आर्किटेक्चर वगैरह यहाँ पर हुआ। जब हम बात करते हैं शाहजहां की तो शाहजहां ने आप सबको पता है कि भाई ताजमहल को बनवाया, साथ ही साथ लाल किला जो कि हमें दिल्ली में देखने को मिलता है उसको बनवाया, और साथ ही साथ जामा मस्जिद जो कि हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है, ये कुछ तीन चार फेमस बिल्डिंग्स यहाँ पर बनवाई। इसके अलावा और भी काफी सारी बिल्डिंग्स थी बट दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो कि शाहजहां ने यहाँ पर हमें इंडिया के अंदर हमें उसकी बनती हुई देखने को मिली। जब हम यहाँ पर बात करते हैं शाहजहां की तो शाहजहां यहाँ पर जब आप देखेंगे तो शाहजहां का आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। जहांगीर का मैंने आपको क्या बताया पेंटिंग्स में था, बट शाहजहां का इंटरेस्ट जो है वो आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा था, इसीलिए शाहजहां ने एक्सटेंसिव आर्किटेक्चरल वर्क्स यहाँ पर करवाए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्हाइट मार्बल का बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल करा गया, रेड सैंडस्टोन को बहुत ही कम हमें देखने को मिला। जो मेन मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए वो व्हाइट मार्बल के अंदर ही यहाँ पर बनवाए गए। साथ ही साथ जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो शाहजहां ने एक चीज और करी, शाहजहां ने डेकोरेशन के लिए मान लो छतों की सीलिंग्स की डेकोरेशन करनी है और कोई डेकोरेशन करनी है तो शाहजहां ने यहाँ पर गोल्ड सिल्वर प्रेशियस स्टोन्स इन सब चीजों का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर करा। यानी कि कहा जाता है कि जब शाहजहां के कोर्ट रूम में, जब शाहजहां के महल में घुसते थे लोग तो आंखें चौंधिया जाती थी, इतना ज्यादा जो है वहां पर डेकोरेशन, इतना ज्यादा सोना चांदी हमें देखने को मिलता था। और आप सब लोगों को पता है कि शाहजहां का एक पीकॉक थ्रोन भी बहुत ज्यादा फेमस था जिसको बेसिकली क्या कहा जाता है, जिसको नादिर शाह अपने साथ उठा करके ले गया था। नादिर शाह जो कि इंडिया आकर के जब इन्वेड करा था नादिर शाह ने, तो नादिर शाह ही अपने साथ जो है उसको 1739 में ले गया था। तख्ते ताहुस आई गेस, हाँ तख्ते ताहुस उसको बोला जाता है। तो ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं शाहजहां के टाइम पीरियड में देखने को मिली। साथ ही साथ जब हम यहाँ पर बात करते हैं शाहजहां के टाइम की तो शाहजहां ने बेसिकली यहाँ पर जहांगीर के टॉम्ब को भी बनवाया, इसके अलावा लाहौर फोर्ट के अंदर कुछ सेक्शंस को भी बनवाया। लाहौर फोर्ट के अंदर शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई, शीश महल बनवाया, मतलब कुछ छोटी मोटी बिल्डिंग्स भी बनवाई। बट जो मेन आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है शाहजहां का उसमें क्या है, ताजमहल, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद, ये तीन मेन चीजें हैं जो कि शाहजहां ने अपने टाइम पीरियड पर बनवाई। इसके अलावा शाहजहां वॉज द ओनली मुगल किंग जिसने अपने नाम पर मॉस्क बनवाई। एक मस्जिद शाहजहां ने अपने नाम पर बनवाई जिसका नाम था शाहजहां मॉस्क। ही वॉज द ओनली मुगल किंग जिसने अपने नाम के ऊपर एक मस्जिद बनवाई। तो ये देखिए ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता होना चाहिए दैट शाहजहां वॉज द ओनली मुगल किंग जिसने अपने नाम पर एक मस्जिद बनवाई। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें ताजमहल की तो देखिए ताजमहल को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट द ताजमहल। जब हम ताजमहल की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग हमें यमुना रिवर के किनारे, यमुना नदी के किनारे देखने को मिलती है।
जब आगरा के अंदर जब आप ताजमहल को देखते हैं तो प्योर वाइट मार्बल का ये बना हुआ है, पेट्रा ड्योरा स्टाइल बहुत बड़े लेवल पर हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। और यहीं पर हमें शाहजहां और मुमताज महल दोनों की जो एक तरीके से बरियल्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं इधर चार बाग स्टाइल देखने को मिल रहा है गार्डन का, साथ ही साथ वाटर स्ट्रीम्स बीच में देखने को मिल रहे हैं, झरने देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही सुंदर इसके एंट्रेंस गेटवेज हैं जो कि रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बने हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से ताजमहल को यहाँ पर शाहजहां ने बनवाया। जब हम ताजमहल की बात करते हैं तो कहा जाता है कि मुगल आर्किटेक्चर का फाइनेस्ट स्पेसिमेन है ये, यानी कि अगर आप बात करें ताजमहल की तो ताजमहल इंडिया के अंदर मतलब बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स हमें मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम सुंदर बिल्डिंग्स की बात करें, फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें ताजमहल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ताजमहल आपको पता ही है कि भाई शाहजहां ने अपनी वाइफ की मेमोरी में अपनी वाइफ की याद में बनवाया था, मुमताज महल की याद में, और उनका बरियल और शाहजहां का बरियल दोनों का बरियल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें ताजमहल की तो ताजमहल के अंदर आपको डेकोरेशन के लिए कैलीग्राफी देखने को मिलती है वॉल्स पर, पेट्रा ड्योरा वर्क्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें फोर शॉटिंग टेक्निक हमें देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं ताजमहल और दूर से खड़े हो जाते हैं कि हाँ ऐसे करके कि हमने ताजमहल को पकड़ा हुआ है, तो ये फोर शॉटिंग टेक्निक हमें आर्किटेक्चर के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो है चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डन हमें देखने को मिलता है, यूज ऑफ रनिंग वाटर हमें देखने को मिलता है। ये कुछ खास चीजें हमें ताजमहल के अंदर देखने को मिलती हैं। और माना जाता है कि डेकोरेशन के लिए जब शाहजहां ने यहाँ पर पेट्रा ड्योरा वर्क कराया तो यहाँ पर जो प्रेशियस स्टोन्स का इस्तेमाल करा गया, 20 अलग अलग वेराइटी के प्रेशियस स्टोन्स को यहाँ पर इस्तेमाल करा गया जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों तरफ से मतलब इंपोर्ट भी करे गए और इंडिया से भी उनको यहाँ पर लेकर के आया गया। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत ही सुंदर तरीके से जाली वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ताजमहल के अंदर, और साथ ही साथ मार्बल के ऊपर बहुत ही रिच कार्विंग्स अलॉन्ग विद द पेट्रा ड्योरा वर्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जब हम बात करते हैं ताजमहल की तो ताजमहल के जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे उनका नाम बेसिकली क्या था, उस्ताद ईशा उनका यहाँ पर नाम था, जो कि टर्किश और पर्शियन ओरिजिन के थे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो लेबर लगी थी वो तो बेसिकली हिंदू लेबर्स ही थी, आर्किटेक्ट्स भी यहाँ पर हिंदू ही थे। तो यहाँ पर हमें एक बहुत सुंदर लेवल पर एक ये आर्किटेक्चर का डिजाइन देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर माना जाता है कि यूरोपियन आर्टिस्ट से भी डेकोरेशन को लेकर के कंसल्टेशन वगैरह शाहजहां ने किया था। तो बहुत ही सुंदर पीस ऑफ आर्किटेक्चर हमें उस टाइम पर ये देखने को मिलता है, यू कैन सी, ठीक है। तो ताजमहल अपने आप में बहुत सुंदर है और आज भी कहीं ना कहीं जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा चाहे ट्रंप आए या कोई भी नेतन्याहू आए, कोई भी बड़े बड़े नेता लोग हैं तो आकर के मतलब वो ताजमहल विजिट जरूर करते हैं। तो ताजमहल बहुत सुंदर है जो कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर उस टाइम पर बनता हुआ देखने को मिला शाहजहां के टाइम पर, एंड इट इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। तो ये कुछ खास बातें थी ताजमहल के बारे में। किसी का यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे और अनदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की जो कि शाहजहां ने अपने टाइम में बनवाई। यहाँ पर सुमित का कमेंट है, हिज रेन विटनेस्ड द ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन द आगरा एंड दिल्ली। बिल्कुल सुमित सही बात है, शाहजहां के टाइम पीरियड में हमें बहुत सारा आर्किटेक्चर जो है होता हुआ देखने को मिला, खास तौर पर दिल्ली और आगरा के अंदर। दिल्ली में इसलिए क्योंकि शाहजहां ने बेसिकली क्या करा था, अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था, शाहजहांबाद जिसको बोला जाता है ना। तो ये कुछ खास बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ताजमहल के अलावा शाहजहां ने क्या करा, ताजमहल के अलावा शाहजहां ने जामा मस्जिद जो है दिल्ली के अंदर बनवाई। ये जामा मस्जिद शाहजहां ने रेड सैंडस्टोन से बनवाई। आप ये देख सकते हैं कि रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो रॉयल मुगल फैमिली होती थी उनकी नमाज पढ़ने के लिए, उनकी प्रेयर्स के लिए जो है ये जामा मस्जिद यहाँ पर बनवाई गई थी। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको हाई टावर्स और डोम्स देखने को मिलते हैं जामा मस्जिद के अंदर, जो कि अपने आप ही ब्यूटीफुल स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इन सब के अलावा शाहजहां ने लाल किला, दिल्ली के अंदर लाल किला भी बनवाया, जो कि काफी ज्यादा भी पीछे न्यूज में भी था, है ना, जनवरी में काफी ज्यादा न्यूज में भी था ये पीछे। तो रेड फोर्ट भी हमें दिल्ली के अंदर बनता हुआ देखने को मिला। एक्चुअली हुआ क्या था कि शाहजहां ने दिल्ली के अंदर सेवंथ सिटी जिसको शाहजहांबाद बोला जाता है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया, फाउंडेशन रखा। तो यहाँ पर सिटाडेल में शाहजहां ने क्या करा, लाल किला यहाँ पर बनवाया दिल्ली के अंदर।
और जब शाहजहां ने अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करा, तो अब जाहिर सी बात है कि राजा को, रॉयल फैमिली को रहने के लिए फोर्ट चाहिए, किला चाहिए। तो शाहजहां ने बहुत ही सुंदर लाल किला, बहुत ही मैग्निफिशेंट बिल्डिंग यहाँ पर बनवाई। और कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो प्लान आगरा फोर्ट का था, जो अकबर ने बनवाया था, आगरा फोर्ट के ग्राउंड्स पर ही, आगरा फोर्ट के प्लान्स पर ही, कहीं ना कहीं उसी से यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस्ड होकर के रेड फोर्ट को यहाँ पर बनवाया गया। बहुत बड़े बड़े वॉल्स, गेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। रेड सैंडस्टोन और मार्बल का इस्तेमाल यहाँ पर करा गया है। हियर यू कैन सी द रेड फोर्ट एट दिल्ली। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं लाल किला, जो कि दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर हमें दो फेमस बिल्डिंग्स भी देखने को मिलती हैं, जिसमें एक आ जाती है दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास की जब हम बात करते हैं, ये वाइट वाली जो है ये है दीवाने खास। दीवाने खास में बेसिकली क्या होता था कि शाहजहां जो नोबल्स होते थे उनसे मिला करते थे, यानी कि खास लोगों से मिला करते थे। और जो दीवाने आम होता था, दीवाने आम के अंदर माना जाता है कि ऑर्डिनरी लोगों से राजा आकर के मिलता था, उनकी बातचीत सुनता था, उनके ग्रीवियंसेस सुनता था। तो इस तरीके से ये दो फेमस बिल्डिंग्स हमें जो है आगरा फोर्ट के अंदर देखने को मिलती हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा सुंदर है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इन सब बिल्डिंग्स के अलावा और सब चीजों के अलावा, शाहजहां ने जो है पिकॉक थ्रोन को भी बनवाया था। पिकॉक थ्रोन जो कि बहुत ज्यादा फेमस था शाहजहां के टाइम की, जब आप यहाँ पर बात करते हैं। हियर यू कैन सी दिस इज द पिकॉक थ्रोन। ये जो पिकॉक थ्रोन आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा गोल्ड का बना हुआ था। साथ ही साथ इस पर आपको दो पिकॉक देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रॉपर तरीके से इन पिकॉक्स के ऊपर जेम्स लगाए गए होते थे, हीरे जवाहरात, मतलब पूरी तरीके से ये बहुत ही कॉस्टली बनाया गया था उस टाइम पर, जिसके ऊपर शाहजहां खुद बैठा करता था। खैर आगे चल करके जब नादिर शाह ने आकर के इंडिया को इन्वेड करा, तो नादिर शाह इसे अपने साथ ले गया था। तो पिकॉक थ्रोन भी हमें उस टाइम पर देखने को मिला। तो ये कुछ खास चीजें शाहजहां के आर्किटेक्चर की थी, या शाहजहां के टाइम पीरियड की थी, जो कि हमें देखने को मिली। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर, कितने एक्सटेंसिव मैग्निफिशेंट लेवल पर शाहजहां ने जो है आर्किटेक्चर वगैरह यहां पर कराया है ना। तो यहां पर आपका किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डाउट नहीं है, चीजें क्लियर हैं, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो। अब शाहजहां के बाद बात करेंगे औरंगजेब के टाइम पीरियड की, औरंगजेब के टाइम पीरियड में क्या कुछ चीजें रही, औरंगजेब को डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। डाउट नहीं है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है। देखिए औरंगजेब, जब हम औरंगजेब के टाइम की बात करते हैं तो औरंगजेब के टाइम पर इतना कुछ खास नहीं हुआ। औरंगजेब बिल्डिंग बनवाने से कम बिल्डिंग तोड़वाने के लिए ज्यादा फेमस है। आप सबने सुना होगा कि भाई औरंगजेब ने जो है काफी सारे मंदिर तोड़वाए, काफी सारे बिल्डिंग्स तोड़वाई, और कहीं ना कहीं उनकी जगह पर फिर मॉस्क वगैरह बनवाई, ये सब काम यहाँ पर किए। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं इस टाइम पीरियड की, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि औरंगजेब के टाइम में हमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई। औरंगजेब के टाइम के अंदर जो है इसने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। ही वॉज द मोस्ट प्यूरिटैनिकल किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। यानी कि अगर आप औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब के टाइम पीरियड पर मतलब आर्ट और कल्चर के नाम पर कुछ नहीं होता था। बंदे ने अपनी कोर्ट से म्यूजिक तक को बंद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सीरियस, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि मनुष्यत टाइप का माहौल, वो हमें औरंगजेब के टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिला। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने बेसिकली क्या करा, औरंगजेब के टाइम पीरियड पर हमें दो चीजें देखने को मिली। माना जाता है कि औरंगजेब ने अपनी वाइफ के लिए, बेगम रबिया उद दौरानी के लिए, बीबी का मकबरा जो कि हमें औरंगाबाद के अंदर देखने को मिलता है, उसकी शुरुआत करवा दी थी, कमीशन्ड कर दिया था कि हाँ मेरी वाइफ के लिए आप ये मकबरा बनवाओ, जो कि बेसिकली ताजमहल के जैसा था। अगर आप यहां पर देखें, हियर यू कैन सी दिस, अब बताओ ये लग रहा है, नहीं लग रहा कि ताजमहल है, बिल्कुल ताजमहल जैसा लग रहा है ना, बट ये ताजमहल नहीं है, ये क्या है, ये है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा बेसिकली ये जो है औरंगजेब ने इसको कमीशन्ड कराया था, बट ये जाकर के मोहम्मद आजम शाह जो कि औरंगजेब के बाद नेक्स्ट रूलर आए, उनके टाइम पर जाकर के कंप्लीट हुआ है ना। तो औरंगजेब ने ये एक तरीके से ये बीबी का मकबरे की शुरुआत करवाई थी, अपने टाइम पर कमीशन्ड करा था, बट पूरा नहीं हो पाया था, पूरा वो आजम शाह के टाइम पर हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई एक पुअर इमिटेशन ताजमहल का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके अलावा औरंगजेब ने दो काम करे। औरंगजेब ने हिंदू टेम्पल्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया,
बनारस और मथुरा के अंदर जो फेमस हिंदू टेम्पल्स थे उनको तोड़वाया भी, उनकी जगह पर मॉस्क भी बनवाई। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें इन सब चीजों के अलावा, औरंगजेब ने दो फेमस काम करे। एक क्या करा इसने, लाहौर फोर्ट के अंदर आलमगिरी फोर्ट बनवाया। आप सबको पता है कि औरंगजेब का नाम आलमगिर भी था, तो इसने आलमगिरी गेट बनवाया यहाँ पर, और साथ ही साथ लाहौर फोर्ट के अंदर इसने बादशाही मस्जिद बनवाई। जब आप बादशाही मस्जिद को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली का जामा मस्जिद है। ये दो काम यहाँ पर इसने यहाँ पर करवाए। जब आप बात करते हैं बादशाही मस्जिद की, जो कि लाहौर के अंदर हमें देखने को मिलती है आज की डेट में, वो पाकिस्तान में थर्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग है और पूरे वर्ल्ड के अंदर सेवेंथ लार्जेस्ट मॉस्क के तौर पर हमें देखने को मिलती है। हियर यू कैन सी, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल लग रहा है ना कि दिल्ली का जामा मस्जिद हो, बट ये दिल्ली का जामा मस्जिद नहीं है। दिल्ली के जामा मस्जिद के सिमिलर ही बादशाही मॉस्क लाहौर के अंदर औरंगजेब ने बनवाया था, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बादशाही मॉस्क की बात करें तो यहाँ पर रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल करा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें सेवेंथ लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड, ये हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा लाहौर फोर्ट के ऊपर, लाहौर फोर्ट में आलमगिरी गेट, ये आलमगिरी गेट भी यहाँ पर औरंगजेब ने बनवाया था। तो ये दो चीजें औरंगजेब ने अपने टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट कराई, ये दो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो कि औरंगजेब ने बनवाई। इसके अलावा औरंगजेब ने कुछ खास काम नहीं किया, ज्यादातर चीजों को, ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स को इसने तोड़वाया ही, और कुछ खास काम हमें इसके टाइम पीरियड पर होता हुआ देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीबी का मकबरा, औरंगजेब ने यहाँ पर इसको कमीशन कर दिया था अपनी वाइफ के लिए, बेगम रबिया उद्दौरानी के लिए, बट वो कंप्लीट कब हुआ, मोहम्मद आजम शाह के टाइम पर जाकर के ये कंप्लीट हुआ, एंड इट इज अ पुअर इमिटेशन ऑफ द ताजमहल। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था गाइज आज का हमारा सेशन। आज के सेशन में हमने जो है मुगल आर्किटेक्चर को खत्म कर दिया है, यानी कि कल का जो हमारा सेशन था, कल हमने शुरुआत करी थी कि कैसे बाबर के टाइम पीरियड से आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई, फिर हुमायूं के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ उसको हमने देखा, फिर यहाँ पर देखा कि कैसे अकबर ने अपने 50 साल के अंदर आर्किटेक्चर को बढ़ाया, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें उसके आर्किटेक्चर के अंदर देखने को मिली, बहुत सारी फेमस बिल्डिंग्स जैसे कि आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, ये सब बिल्डिंग्स को हमने यहाँ पर डिस्कस करा अकबर के टाइम पर जो बनी। जहांगीर के टाइम की बात आज हमने करी और हमने यहाँ पर देखा कि जहांगीर के टाइम पर आर्किटेक्चर ज्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ज्यादा, क्योंकि जहांगीर ने पेंटिंग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, बट फिर भी जहांगीर के समय पर हमें जो है अकबर का टॉम्ब सिकंदरा में बनता हुआ देखने को मिला, और इमादुद्दौला जो कि जहांगीर के फादर इन लॉ थे, इनका टॉम्ब हमें बनता हुआ देखने को मिला, जो कि पर्शियन आर्किटेक्चर का बहुत ही फाइन स्पेसिमेन है और पूरे प्योर व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। पेट्रा ड्यूरा टेक्निक उसके अंदर हमें इस्तेमाल होती हुई देखने को मिलती है। फिर हमने बात करी शाहजहां के टाइम पीरियड की। शाहजहां ने अपने टाइम पीरियड पर बहुत ही बड़े लेवल पर, मैग्निफिशेंट लेवल पर आर्किटेक्चर वर्क को बढ़ावा दिया, प्रमोट करा, और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि मार्बल का इन्फ्लुएंस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला। शाहजहां ने जो है आगरा के अंदर ताजमहल बनवाया व्हाइट मार्बल से, साथ ही साथ दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट बनवाया, और इसके अलावा दिल्ली के अंदर ही जामा मस्जिद बनवाई। ये तीन बहुत बड़े बड़े काम शाहजहां ने यहाँ पर किए। इसके अलावा शाहजहां का पीकॉक थ्रोन वो बहुत ज्यादा फेमस था, जिसको नादिर शाह अपने साथ आकर के ले गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें शाहजहां के बाद हमें यहाँ पर जो है कौन देखने को मिला, औरंगजेब देखने को मिला। औरंगजेब ने कुछ खास काम यहाँ पर नहीं करवाया, हालांकि औरंगजेब ने अपनी वाइफ के लिए, बेगम दौरानी के लिए यहाँ पर जो है कमीशन कर दिया था कि चलो बीबी का मकबरा बनवा देंगे, जो कि पुअर इमिटेशन था ताजमहल का, बट वो आजम शाह के टाइम पर जाकर के कंप्लीट हुआ। साथ ही साथ औरंगजेब ने बेसिकली क्या करा, कुछ हिंदू टेम्पल्स को डेमोलिश कराया, तोड़वाया, उनकी जगह पर मॉस्क बनवाई, और लाहौर फोर्ट के अंदर इसने बादशाही मॉस्क बनवाई, जो कि बिल्कुल जामा मस्जिद का रेप्लिका देखने को लगता है कि हाँ जैसे जामा मस्जिद ही हो, और दिल्ली का, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहां पर आलमगिरी गेट भी इसने बनवाया, ठीक है। तो ये था गाइज आज का हमारा सेशन। आज के सेशन में हमने मुगल आर्किटेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। कल का जो हमारा सेशन रहेगा, कल हम बात करेंगे ब्रिटिश आर्किटेक्चर की, यानी कि कल हम देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने किस तरीके से आर्किटेक्चर को यहाँ पर बढ़ावा दिया। तो ये था हमारा आज का सेशन, और कल हमारा आर्किटेक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर टुमारो, कल के बाद हम पेंटिंग्स की शुरुआत करेंगे, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को पढ़ेंगे सबसे पहले, देन मुराल पेंटिंग्स को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद मुगल पीरियड में किस तरीके से पेंटिंग्स का डेवलप हुआ, देन कैसे पेंटिंग्स के थ्रू नेशनलिज्म को प्रमोट करा गया इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पर, उन सब चीजों को यहाँ पर देखेंगे। 4 से 5 सेशन हमारे पेंटिंग के रहेंगे, ठीक है।
तो आई होप आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी आर्ट एंड कल्चर की। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आप में से काफी सारे लोग पूछते हैं कि क्या सोर्स पढ़ें, कहां से मैं नोट्स बना रहा हूं, तो देखिए मैं यहां पर एनसीईआरटी का इस्तेमाल भी कर रहा हूं और साथ ही साथ नितिन संगानिया की जो बुक है उसका इस्तेमाल भी कर रहा हूं नोट्स बनाने के लिए। सो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छे नोट्स भी मिल जाए और साथ साथ कोई चीज आपकी छूटे भी ना यहाँ पर। तो ये था आज का हमारा सेशन गाइज, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज जाएं जाकर अन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक 10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। कल मिलेंगे, कल बात करेंगे ब्रिटिश आर्किटेक्चर की, यूरोपियन आर्किटेक्चर की, जो कि हमें इंडिया के अंदर देखने को मिला। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, गुड लक, हैव अ वेरी गुड डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक।